बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। नाज़रीने कराम, किसी भी फिल्म या ड्रामा में मुस्बत किरदार अदा करने वाले फनकार सब लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन मनफी किरदार अदा करने वाले इतनी शोहरत हासिल नहीं कर सकते। इस वीडियो में हम जिस किरदार का जिक्र करेंगे वो है तो मनफी ही, मगर शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाला किरदार है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबाएं, ताकि आपको लम्हा बलम्हा ऐसी मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। ड्रामा सीरियल इर्तुगरल गाजी में उस्ताद आजम का किरदार अदा करने वाले हलूक लेमेट ऑक्टम ने अपनी जानदार एक्टिंग से इस किरदार को दवाम बख्शा। लेमेट ऑक्टम 1955 को तुर्की में पैदा हुए। उन्होंने अंकारा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया, फिर 1979 में इस्तांबुल थिएटर से अपने कैरियर का आगाज किया। 1981 और 82 में उन्होंने इस्तांबुल यूनिवर्सिटी में लेक्चरर की खिदमात भी सर अंजाम दी। 1992 और फिर 1994 में इन्होंने एक थिएटर में ट्रेनर के तौर पर भी काम किया। 2005 में उन्हें अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर बेहतरीन स्पोर्टिंग एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। 2009 में आपको एक ड्रामा सीरियल ट्रेस फॉर कंफर्टेबल में बेहतरीन कॉमेडी एक्टर का अवार्ड मिला। ऑक्टम अब तक 34 थिएटर प्लेज में काम कर चुके हैं। 5 प्लेज में एज अ डायरेक्टर काम किया, जबकि 15 ड्रामा सीरियल्स में एज एन एक्टर काम किया। और आजकल ड्रामा सीरियल इर्तुगरल गाजी में उनके मनफी किरदार उस्ताद आजम को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। मुख्तलिफ सीन्स में उनके बात करने के अंदाज को बहुत पसंद किया जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, ये था इर्तुगरल गाजी का एक मशहूर किरदार। आइंदा आने वाली चंद वीडियोज में हम आपके सामने इस ड्रामा के चंद मजीद किरदारों की वजाहत पेश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमें अपनी कीमती राय से आगाह करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करें। शुक्रिया।